हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और आप सभी को शिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और अब मैं उठ चुकी हूँ और अभी बहुत लेट हो चुका है तो अभी हम देखते हैं सब लोग कहाँ हैं। क्या हुआ बाबू, क्यों रो रहे हो आप? ओह माय गॉड, क्यों रो रहे हो? बांध रखा है तो रो रहा है, क्यों रो रहा? हैप्पी शिवरात्रि बोलो सबको, चलो बोलो जल्दी 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 बोलो हैप्पी शिवरात्रि, बोलो हैप्पी शिवरात्रि। चलो, और यहाँ पर सफाई चल रही है मंदिर की। सो गाइस, पापा तो उठ चुके हैं कब के और सफाई में लग चुके हैं। वेरी गुड वेरी गुड करो। और लाइट चली गई। हो बाबू, लाइट चली गई। हाँ जाना है, देखो क्यों रो रहा है तू? हेलो कर, हेलो कर। बच्ची बाहर जाने, टॉफी 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 बच्चा। चलो सो गाइस, अब हम लोग जरा नहाते हैं, धोते हैं, देन आपसे बात करते हैं। और आज हम एक स्पेशल चीज करने वाले हैं, वो आपको पता चल जाएगा वीडियो में। सो मिलते हैं आपको नहाने के बाद। सो गाइज, अब हम रेडी हो चुके हैं और पापा ने मंदिर की सफाई भी कर ली है। देखिए कितना अच्छा लग रहा है। और अब हम लोग जाएंगे मंदिर। हाँ तो हमने सुबह ही कर ली थी ना तो पूजा। पापा भी, पापा आपका फास्ट नहीं है क्या? इधर आओ ना। सो पापा भी रेडी हो चुके हैं। आज व्रत नहीं रख रहा मैं, नहीं रख सकता। 12 बजे तक, अब कितना बज गया? 11-12 तो बज गए। 11 बज गया, अब बहुत है मेरे लिए। सो गाइस, मैं तो फास्ट रखूंगी आज, और टाइम तो नहीं लगती थी पर मैं आज ही रख रही हूँ फास्ट। और पापा नाश्ता कर रहे हैं अभी, और अभी हम लोग जाएंगे भोले बाबा के मंदिर, जो हमारा पापा लालपुर में। वहां जाएंगे ना हम लोग? नहीं पापा प्लीज, वही चलेंगे ना प्लीज। यस, तो हम जाएंगे वहीं। वहां हमने मूर्ति स्थापित की थी बहुत पहले, तो फिर जंगलात वाले लोग मंदिर तोड़ दिया, तो उसके बाद फिर हम लोग जाते ही नहीं है। मतलब क्या करने आ, तो फिर तोड़ दिया उन्होंने सब कुछ। बट हम लोग शिवरात्रि में तो जाएंगे ही ऑफ कोर्स। तो पापा तो सुबह होके आ गए हैं और अब मैं जाऊंगी पापा के साथ, क्योंकि आपको पता ही लड़कियों को टाइम लगता है तैयार होने में। तो अभी पापा नाश्ता करते हैं फिर हम लोग जाते हैं। सो गाइस, अभी हम लोग घर से निकल चुके हैं और अभी हम लोग शॉप में जाएंगे। तो मेरा भाई भी है, तो वो भी, तो मेरा भाई है तो वो भी जाएगा मेरे साथ मंदिर में। तो हम लोग नॉर्मली अभी भी जाएंगे, उसके बाद हम लालपुर जाएंगे, वो हमारा मंदिर है तो वहां जाना ही पड़ेगा पक्का। गाइस, अब हम लोग शॉप में आ चुके हैं। दिस इज माय शॉप, दिस इज माय ब्रो, ये सफाई कर रहा है अभी। और अभी हम लोग जाएंगे, मेरे भाई और मैं जाएंगे अभी हम लोग मंदिर। जल्दी सफाई कर, काम कर बेटा। सो गाइस, अभी हम लोग मंदिर में आ चुके हैं और हम लोग जाएंगे बाबा को जल चढ़ाएंगे। बहुत भीड़ है। नमो नमो जी शंकर, भोलेनाथ शंकर, जय त्रिलोकनाथ। जन्म से भी पहले तेरा वास था, ये जग रहे या ना रहे, रहेगी तेरी आस था। क्या समय क्या प्रलय, दोनों में तेरी महानता महानता महानता।
पंचामृत। भाई अब हम लोग पंचामृत में डालेंगे इसमें। मेरे मन में शंकरा, नाथ शंकरा, तू बसा है उस तरह। मुझे भरम था जो है मेरा था कभी नहीं मेरा। गाइस देखो ये मछलियों का आटा बना रही है यहाँ पर। है झुका मेरे सर पे हाथ रख तेरा। नमो नमो जी शंकरा, भोलेनाथ शंकरा, जय त्रिलोकनाथ शंभु हे शिवाय शंकरा। भीड़ है आज, आज भीड़ है, माय गॉड। और इतनी होती शंकरा, रुद्रदेव हे महेश्वरा। मंदिर है यहाँ पर। हेलो, कुछ लाए नहीं हम लोग इनके लिए। चंद्रमाला नाट पे अंदर उन्हें पापा ने रखे थे गाजर वगैरह। वस्त्र बाग छाल का है खड़ा उपाव में। गंगा है तेरी जटाओं में, दूसरों के वास्ते तू सदैव ही जिया हे शिवाय शंकरा। मांगा कुछ कभी नहीं भोलेनाथ शंकरा, तूने सिर्फ है दिया हे शिवाय शंकरा। अगर यहाँ पर रहने के लिए आ रहे हैं तो बता देता हूँ, बहुत अच्छी जगह है, आराम से रह सकते हैं। लेकिन यह है कि आपको एकांत अगर रात को सोना हो तो आपके साथ टॉर्च वगैरह। और यहाँ पर तो बहुत अच्छी बात है कि यहाँ पर आपको शेर और क्या बोलते हैं हाथी वगैरह सब देखने को मिलेगा, मस्त एकदम फ्री। पर ऐसा यहाँ पे आग इस रूम में जैसे आग लगा के धुना लगा के आप रह सकते हैं रात को। देखिए आप देख सकते हैं हमने खुद बनाया है आटे का और इसमें डाला है बूरा और शंभु हे शिवाय शंकरा। नमो नमो जी शंकरा, भोलेनाथ शंकरा, रुद्रदेव। गाइस हमने मछली को खाना खिला दिया है और जो भूरा बचा है हम लोग चुटकियों के लिए डाल देंगे थोड़ा सा। रुद्रदेव हे महेश्वरा, सुकून टाइप का एक मिल रहा है यहाँ। जगह बहुत अच्छी है, अगर आप भी आएंगे यहाँ बहुत मतलब एक सुकून टाइप का आपको मिलेगा। बहुत सुंदर जगह है, शांत जगह है। माय भोलेनाथ तेरे जाप के बिन। इसलिए हमने गेट खुलवाया पीछे से फोन करके अभी और ये पीछे वाले रास्ते में हम आ चुके हैं शिवगिरी मंदिर में। वो यहाँ से लो ना। अच्छा राम की ज्योत ने। बाबा जी तो अंग्रेजी लग रहे हैं। जय हो शंकरा, भोलेनाथ शंकरा, आदिदेव शंकरा, हे शिवाय शंकरा, तेरे जाप के बिना। गाइस यहाँ से आ गया है पुलिंडा का रास्ता, अभी हम लोग जा रहे हैं पुलिंडा। यहाँ पे बड़का पेड़ है, बहुत पुराना, पता नहीं कितने सालों पुराना है। अच्छा, तो वहाँ पे वो गाइस देखिए बड़का पेड़। नमो नमो जी शंकरा, भोलेनाथ शंकरा, जय आगे जा रहे हैं शंकरा। नमो नमो
जी शंकरा भोलेनाथ। देख सकते हैं यहाँ पर कुंड बने हुए, देखो एक ये है और एक उधर है, दिख नहीं रहा है, बस उसमें पानी है बहुत सारा, पेड़ कैसे दिख नहीं रहा है, बट यहाँ पर जानवर आते हैं बहुत सारे पानी पीने के लिए। सृष्टि के जन्म से भी पहले तेरा वास था, ये जग रहे या ना रहे रहेगी तेरी आस था। घर आ चुकी हूँ और हमने लिए डॉगीज के लिए दूध ले लिया है और अभी बनाऊंगी मैं स्ट्रीट डॉग्स के लिए। और अब हम तो क्या, मैं रोटी बनाऊंगी बहुत सारे डॉगीज के लिए और उसको हम लोग बांटने जाएंगे शाम के टाइम पे। तो फिर अभी हम रेडी करते हैं सुबह भगवान के लिए। सो गाइज ये है आटा मैंने गूंद दिया है और तवे में मैंने अभी तवा चढ़ा दिया है, ठीक है, और अब ये मैं दूध रखा है यहाँ पर। अब मैं जल्दी से बनाती हूँ और देन मैं आपसे मिलती हूँ। सो गाइज आप देख सकते हैं ये मैंने बना लिया है रोटी और दूध, मेरे सर पे हाथ रख दिया, ये बना लिया है और अभी हम लोग जा रहे हैं और अभी बहुत ज्यादा शाम हो चुकी है, अंधेरा हो चुका है, तो वीडियो में नहीं लिख पाएगा या फिर मैं बना नहीं पाऊंगी, तो देखते हैं, लेट्स गो। करा भोलेनाथ शंकरा आदि देव शंकरा हे शिवाय। सो गाइस फाइनली जो मैंने सोचा था वो होने जा रहा है, नेक्स्ट लेवल खुशी, नेक्स्ट लेवल खुशी की यार ऑन द वे। और अभी हम लोग ढूंढेंगे डिस्पोजल प्लेट, दे दो अंकल नमस्ते। ये लिया मैं भोलेनाथ शंकर जय त्रिलोकनाथ शंभु हे शिवाय शंकर। नमो नमो जी शंकर भोलेनाथ शंकर रुद्रदेव हे महेश्वरा। सो गाइस फाइनली मैंने और पापा ने मिलके फीड कर दिया है सब डॉग्स को और शूट नहीं किया ज्यादा क्योंकि मुझे पसंद नहीं है, मतलब अब जब दे रहे हैं तो दिखाना क्या है, मतलब बस व्लॉग पे मैंने थोड़ा शूट किया स्टार्टिंग का, बस वो मैं डाल दूंगी और पूरा बॉक्स खत्म हो चुका है। मुझे मम्मी बोल रही थी कि अगर तुम्हें अगर बल नहीं मिले ना, अगर ये बच गया तो पिटेगी तू, मैंने कहा नहीं बचेगा सब मिल जाएगा, बल्कि कम पड़ गया था, बहुत सारे डॉग्स थे यार, बहुत सारे डॉग्स गुरुद्वारा में, ऐसा तो है नहीं कि नहीं है, है ना, तो सबको कर लिया, बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब अच्छा काम करके अच्छा ही लगता है यार। कभी कभी अच्छा काम भी करना चाहिए, है ना, बुरे काम को छोड़ के। और आज मेरा ऐसी फास्ट है तो एक दिन गाइज आप भी अगर आप ऐसे अगर आप लोग ऐसी अगर बेजुबान जैसे जानवर है सबकी अगर आप हेल्प करते हो तो अपने मन को भी शांति मिलती है और जो सामने वाला डॉग है कोई भी जानवर है उसे भी अच्छा लगता है ना। और करना चाहिए यार फीड, अगर आप देखो मैंने आज फास्ट रखा था तो मैंने बस ये मान के चलो कि अगर आपने फास्ट रखा है या वैसे भी नॉर्मल डेज हैं तो आप अपना दिन की 3 रोटी या 4 रोटी तो दे सकते हैं किसी डॉग को भी, ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि सबको ही दो, बट ये है कि अगर 1-2 डॉग्स को भी आप फीड करते हो तो बहुत अच्छी बात है, है ना। अगर सब लोग ये ठान ले कि अगर सब लोग अपने स्ट्रीट डॉग्स या अपने कॉलोनी में सबको अगर बांटते हैं कुछ ना कुछ देते हैं तो बहुत अच्छी बात है, कोई कुत्ता या कोई भी जानवर भूखे से नहीं मरेगा, है ना। तो मैं तो और वैसे भी मेरा बचपन से ये ड्रीम है कि मैं एक डॉग फार्म हाउस खोलूं जिसे मैं सारे स्ट्रीट डॉग्स को रखूं, जैसे रेस्क्यू करते हैं ना लोग वैसे ही।
बट भगवान चाहेगा तो वो भी हो जाएगा जल्दी से। बस बस जल्दी से जॉब लग जाए और अच्छा काम मिल जाए, उसके बाद तो फिर करेंगे जो शौक है हमारे, है ना। बस मैं यही कहना चाहूंगी कि गाइज आप भी फीड करें सब डॉग्स को, और कोई भी एनिमल है आपका, स्ट्रीट डॉग है, घर के बाहर कोई भी कुत्ता है या कोई भी जानवर है, तो उसे जरूर फीड करें। मैं ये नहीं बोल रही कि बहुत सारा करो या बहुत सारे लोगों को करो, बहुत सारे जानवरों को करो, बट जितना मतलब आपसे हो सकता है आप उन्हें अपना बेस्ट दीजिए। जैसे मेरी इतनी औकात नहीं है कि मैं सारे कुत्तों को या पूरे शहर के कुत्तों को खिला दूं, बट हाँ ये है कि थोड़ी हेल्प तो मैं कर ही सकती हूँ ना डॉग्स की, तो आप भी जरूर करें। अभी मैं थोड़ी देर में भी घर जाऊंगी तो मम्मी खाना वाना बना लेगी, फिर देन हम देखते हैं कि आज क्या बना है फास्ट तोड़ने के लिए, है ना, अच्छी अच्छी डिशेस बनी होगी घर में, देखते हैं। आपको जरूर दिखाऊंगी कि क्या बनाया है मम्मी ने, और फास्ट तोड़ के, और आज का दिन कैसे गया, बहुत अच्छा गया, मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आया आज। जैसे कि आज फास्ट था और शिवरात्रि भी थी और हमने डॉग्स को फीड भी किया, और मतलब एक ना अलग ही लेवल की फीलिंग आती है, मतलब बिल्कुल पीस वाली फीलिंग आती है, बिल्कुल शांति, ऐसा लगता है कि बहुत सुकून मिल रहा है। अगर आप भी करते हैं तो आपको भी ऐसी फील होगा डेफिनेटली। सो गाइज आप भी करें हेल्प, हेल्प करनी अच्छी बात होती है, ठीक है, कभी कभी बुरे काम को छोड़ के अच्छा काम भी करना चाहिए, है ना, मेरी तरह। चलो फिर आपको मिलते हैं घर जाके, दिस इज माय शॉप, और मिलते हैं आपको घर जाके। सो गाइज फाइनली मम्मी ने बना दिया है, देखते हैं क्या बनाया मम्मी ने। सो ये है आलू और तेड़ू की सब्जी, और ये है कद्दू, और ये खीर, और ये है रोटी। सो आपको मैं सो गाइस फाइनली खाना वगैरह सब हो चुका है, और बहुत टेस्टी बना हुआ था, कद्दू सब ज़्यादा अच्छी हो रही थी, ठीक है। और बस आज के लिए इतना ही, बहुत मज़ा आया घूम के फिर के सब कुछ करके, बहुत मज़ा आया। अगर आपको मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।